76 वर्षों की पकी हुई उम्र में 120 दिन तक कैंपर में रहकर यूएस और कनाडा की लंबी यात्रा की, अनेक जगहों पर भाषण दिए और साधकों से मिले। इन यात्राओं के फलस्वरूप भारत और विश्व में साधकों की और केंद्रों की संख्या बढ़ती रही। पहले विदेशी केंद्र के निर्माण की योजना 1982 में बनी, अमेरिका के मैसेच्यूसेट्स में धम्म धरा। तत्पश्चात उत्तरी अमेरिका में शनि शनि 16 और दक्षिणी अमेरिका में 8 केंद्र स्थापित हुए। ऑस्ट्रेलिया का पहला केंद्र बना धम्म भूमि, जिसके पश्चात ओशियानिया क्षेत्र में 7 केंद्र खुले। यूरोप का पहला केंद्र धम्म माही फ्रांस में खुला और धीरे धीरे 14 अन्य केंद्र खुले। अफ्रीका का पहला केंद्र धम्मपताका दक्षिण अफ्रीका में 2005 में खुला। केंद्रों के अलावा बिन केंद्रीय कोर्स अफ्रीका भर में और अन्य देशों में लगी रहे थे। मिडल ईस्ट का पहला केंद्र धम्म पमोदा 2014 में खुला। रूस के साधकों के लिए धम्म दुर्लभा है। कई देशों में बिन केंद्रीय शिविरों के माध्यम से भी लोगों को विपश्यना सीखने का अवसर मिलता है। एशिया में 188 केंद्र हैं, जिसमें से सर्वाधिक 88 भारत में हैं। म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड, जापान, ताइवान, कंबोडिया, चीन इत्यादि प्रत्येक देश में एक से अधिक केंद्र हैं। विश्व भर में फैलते केंद्रों के कारण साधकों के लिए शुद्ध धर्म के मार्ग पर आरूढ़ होना सुलभ हो गया। वहीं गोयंका जी ने उन साधकों के लिए भी विशेष प्रयत्न किया जो लंबे समय तक लगातार ध्यान करने का लाभ उठाना चाहते थे। उन्होंने 20, 30, 45 और 60 दिन के शिविरों के लिए उपयुक्त निर्देश और प्रवचन तैयार किए। इन लंबे कोर्सेज का भी साधकों को बड़ा लाभ हुआ है। साथ ही गोयंका जी ने छोटी अवधि के कोर्स भी तैयार किए जो साधना को गतिमान बनाने में सहायक होते हैं। धम्म तपोवन का निर्माण लंबे शिविरों के लिए विशेष रूप से किया गया। आज विश्व में कई केंद्रों पर छोटी और लंबी अवधि के कोर्स आयोजित किए जाते हैं। सौ से भी अधिक देशों में आज 2019 के मध्य में 197 स्थायी केंद्र और 137 अस्थायी केंद्रों से धम्म सेवकों की निस्वार्थ सेवा और लगन से सुचारू रूप से चलते हैं। सारे केंद्र VRI और dhamma.org के टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं और 55 भाषाओं में विपश्यना सिखाई जाती है। इस तरह विश्व के हर महाद्वीप में विपश्यना फैल गई। धर्म प्रसार के मार्ग में स्वाभाविक था कि कई कठिनाइयां भी आएं। प्रत्येक देश की, प्रत्येक केंद्र की और प्रत्येक कोर्स की अपनी विशिष्ट अड़चन। समस्या जैसी भी हो, मंगलकारी धर्म और सेवकों की निष्ठा ने उनका समाधान हमेशा ढूंढ निकाला।